जी दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले भी मैंने एक दो वीडियो में बोला था आप लोगों को कि कोयला जो होता है ना वो भी अच्छा होता है, तो ये मैं लेके आया हूँ लकड़ी वाला कोयला। इससे जो स्टमक वगैरह है ना इनका ठीक रहता है। तो एक दो कॉलोनी में हम ये वाला फेंकेंगे। आप कोशिश करें कि लकड़ी का जो बना हुआ है ना वो कोयला आपके पास होना चाहिए, तो वो आपने डाल देना। इनके पेट के काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो इस कोयले से ठीक हो जाएंगी। तो जितना नेचुरली आप कर सकते हैं उतना करें। ये कोयला मैंने इधर भी फेंक दिया है, ठीक है, और इसको मुंह मारती रहेंगी। जैसे आप कह लें कि फेंकते हैं ना अपना समुद्री झाग कैल्शियम के लिए, तो ये वाला जो है ना वो बेहतरीन है इसके लिए। तो ये वाला हम एक टुकड़ा इधर फेंक देते हैं, बड़े वाला। ये 200 रुपये का मुझे मिला है, शायद 2 किलो है इधर। अब आप लोगों की शायद मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं, कम ज़्यादा। ये देखें, नमक भी फेंका हुआ है और वो भी, ठीक है जी। तो इसको ये कोयले को जब मुंह मारेंगी तो फिर समझें कि ये होना चाहिए इनके। ये मुझे रेकमेंड किया था एक मेरा दोस्त है फिलिपीन में, वो और एक मेरा दोस्त है यूएसए में, वो भी काफ़ी अच्छा है ब्रीडिंग के सिलसिले में। तो उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था कि यार ये लाजमी दो चीज़ें अपने फेंक दो उसमें, जिसमें ज़्यादा बीमारियां और चीज़ें जो होती हैं ना कम हो जाती हैं। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं इधर से। ये वाला एक किस्म का जैसे आपकी समुद्री जाग होती है ना, सेम टू सेम ही है ये, समझे, ठीक है। छोटे टुकड़े मैं कोशिश करता हूँ कि इधर फेंक दूँ। ये दो दो तीन तीन महीने, चार चार महीने तक चले जाएंगे, सही है ना। प्रॉपर कोयला बना हुआ है, लकड़ी वाला कोयला लेना है आपने, लकड़ी से जो बना होता है, ना कि उससे अल्लाह भला करे जो आपका होता है ना वो गोबर वगैरह, और उसको आजकल बना के वो भी कोयला बना रहे हैं, लेकिन वो वाला कोयला नहीं लेना आप। कोशिश करें लकड़ी वाला, ठीक है। अभी फिलहाल मैं जो छोटे हैं हमारे, मैं उनको यूज कर रहा हूँ ताकि पूरे आ जाएं। बड़े खाने में हम लोग बड़ा फेंक देते हैं। आधी नहीं है लेकिन ये आधी हो जाएंगी। अभी तो ब्लैक ब्लैक सा उन्हें डर लग रहा है कि ये है क्या। लोग ग्रिड में भी शामिल करते हैं इसको, मट्टी जो होती है खेत वाली उसके अंदर इसको पीस के, लेकिन वो लंबा चौड़ा काम है ग्रिड वाला। अब ये हो गए हैं जी बड़े वाले टुकड़े। हम इनको बड़े वाले टुकड़ों को मैं पहले छोटे वाले जितने हैं उन्हें निकाल लूँ, ताकि हमें बाकी हम तोड़ लेंगे और छोटे वाले। ये काफी बड़ा है, एक पीछे छोटा पड़ा है, ये भी है। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना है, क्योंकि 2 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर आगे ब्रीडिंग सीजन आएगा जब हमारा जुलाई में, जुलाई के एंड तक तो हेल्दी हो जाएंगे ये काफ़ी। अच्छा जी, बाकी तो हो गए कुछ बड़े वाले, ये तीन तीन मैं इधर फेंक देता हूँ, दो छोटे हैं। ठीक हो गया, इन सब में हो गया।
माउथ मेरे हो गए हैं ब्लैक, इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ी के साथ। हम लाते हैं थोड़ी और इसको करते हैं दो टुकड़े। चलिए जी, थोड़ी हम ले आए, ये हो गए दो, इसके भी सेंटर से करते हैं दो और इसके तो करेंगे चार। ठीक है, ये हो गए और मेरे पास ये भी है। मेरे ख्याल में इतना काफी है, पूरे आ जाने चाहिए। तीन टॉप वाले में ठीक हो गया, इधर रह गए हैं। देख लें आपके सामने, मैंने सब में फेंक दिया। अच्छा जी, और ये चला जाएगा इधर। कुछ बचे हैं वो हम बंगलाइज के ठीक है जी। तो ये हमने फेंक दिया सब में, देख लें। तो कोशिश करें कि ये कोयले का जो एक एक टुकड़ा है ना वो भी लाजमी फेंक दें। ठीक है, ये मैंने कॉलोनी में भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। तो ये बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं इसके बर्ड्स के लिए, स्टमक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है नमक की तरह। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देनी है। हाँ, ये वाले दो हमारे रह गए छोटे वाले। जो हमारा है पेंगुइन का छोटे पिंजरे में मैंने पेंगुइन के दो पैर लगाए हुए हैं। तो इनको ये जो छोटी छोटी है ना ये डाल देते हैं, खुद ही खाते रहेंगे। चलें जी, ये देख लें। चलें जी, ये चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, अच्छा लगा। तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप बताइए कमेंट्स में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।